नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अगस्त 2020 की जो है करंट अफेयर पर आधारित कुल जो है हम आज के वीडियो में 25 टॉप प्रश्न देखेंगे, जो कि आपका पूरी करंट अफेयर सुबह मॉर्निंग 6 बजे हम देखते हैं, 10-10 प्रश्न करके लगभग। तो उन्हीं में से एक एक प्रश्न मैंने सभी करंट अफेयर से उठाया है, जो कि आपका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इन 25 प्रश्न को एकदम आप रट लीजिएगा, काफ़ी मेहनत की है मैंने, तो कोशिश कीजिएगा कि इन सभी 25 प्रश्नों को एकदम रट लीजिएगा, जो कि आपका आगे आने वाले सभी एग्जाम के लिए जो है वो महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपका कि किस देश ने हाल ही में भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च की हैं। 4 ऑप्शन है आपके, सऊदी अरब, तुर्की, इजराइल या ईरान। सभी प्रश्न में आपको भी मैं आंसर सोचने का जो है वो मौका दूंगा, तो लगभग 5 से 10 सेकंड सभी में मैं आपको समय भी जो है वो दूंगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा सही होगा, तो ईरान आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ईरान जो है उसके पैरामिलिट्री रिवॉल्यूशनरी जो गार्ड है उसने 29 जुलाई 2020 को भूमिगत बैलिस्टिक जो मिसाइलें हैं वो जो है वो लॉन्च की थी। तो बस आपको यही रटा होना चाहिए, प्रश्न यही पूछा जा सकता है, सीधे सीधे आपका देश का नाम पूछा जा सकता है। अब ईरान की यहाँ पर बात हुई है तो ईरान के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। ईरान की जो राजधानी है उसका नाम है तेहरान। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। मुद्रा यहाँ पर कौन सी चलती है? तो यहाँ पर मुद्रा चलती है ईरानी रियाल, ये यहाँ पर मुद्रा चलती है ईरानी रियाल। राष्ट्रपति यहाँ के कौन है? तो यहाँ के राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी, ये जो है यहाँ के राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी। यहाँ का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो राष्ट्रीय खेल यहाँ का है फ्री स्टाइल कुश्ती। फ्री स्टाइल कुश्ती जो है यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। बस इतनी चीजें आपको पता होना चाहिए, इससे बाहर कहीं से प्रश्न नहीं आएगा। देखते हैं दूसरा प्रश्न। आईपीएल 2020 19 सितंबर से लेकर 10 नवंबर 2020 तक किस देश में खेला जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो प्रश्न दे रखा है उसमें भी जो डाटा दे रखा है वो भी आपको यहाँ पर याद रखना है कि आईपीएल सबसे पहले तो खेला कब से कब तक जाएगा। तो 19 सितंबर से 10 नवंबर 2020 तक खेला जाएगा, ये आपको याद होना चाहिए। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, संयुक्त अरब अमीरात, तुर्की, सऊदी अरब या मिस्र। बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, इनमें से कौन सा सही होगा। तो पहला ऑप्शन आपका संयुक्त अरब अमीरात जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग। तो वैसे तो आपका जो आईपीएल है वो होता है इंडिया में, पर इस बार कोविड-19 कोरोना वायरस चल रहा है उस कारण जो है संयुक्त अरब अमीरात में से कराने का फैसला लिया गया है। और वैसे भी आपका ये जो मार्च माह महीना है वहां से लगभग स्टार्ट हो जाता था आपका आईपीएल, अप्रैल मई तक चलता था, पर इस बार नहीं हो पाया है कोरोना के कारण, इसलिए सितंबर से जो नवंबर ये महीने आप देख पा रहे हैं इसमें जो है वो होगा। अब थोड़ा सा यदि बैक चलते हैं तो 2020 से पहले 2019 में आईपीएल हुआ था। प्रश्न यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि इसमें विजेता कौन रहा था, तो मुंबई इंडियंस जो है वो विजेता रही थी। एक प्रश्न यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी टीम है जो आपका आईपीएल में सबसे ज्यादा बार विजेता रह चुकी है। तो मुंबई इंडियंस आपकी आईपीएल में सबसे ज्यादा बार विजेता रह चुकी है, और कितनी बार? तो कुल 4 बार अभी तक ये जो है वो जीत चुकी है। और टोटल आईपीएल में यदि बात करें तो ट्रॉफी के साथ साथ एक पर्टिकुलर कह सकते हैं व्यक्तिगत जो पुरस्कार होता है वो भी जो है वो दिया जाता है। तो उनमें 2 पुरस्कार आपको याद रखने, एक आपका ऑरेंज कैप होता है और एक आपका पर्पल कैप होता है। तो ऑरेंज और पर्पल कैप में डिफरेंस क्या है? ऑरेंज जो कैप होता है वो एक ही श्रृंखला के दौरान आईपीएल में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज को दी जाती है, और जो पर्पल कैप होती है वो आपका विकेट से संबंधित होता है, यानी कि आईपीएल में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज को जो है वो पर्पल कैप जो है वो दी जाती है। देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है आपका दिसंबर 2020 में होने वाली महिला विश्व टीम स्क्वैश चैंपियनशिप कहाँ आयोजित होनी है। 4 ऑप्शन है, लाओस, थाईलैंड, सिंगापुर या मलेशिया। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही होगा।
ऑप्शन ए बी सी डी में से बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन डी मलेशिया जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि ये चर्चा में क्यों रहा। चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि भारत ने जो है वो 15 से 20 दिसंबर 2020 तक जो मलेशिया है इसके अंतर्गत यदि बात करें कु आल लामपुर यहां पर जो है वो होने वाला है, तो इसमें होने वाले जो महिला विश्व टीम स्क्वैश चैंपियनशिप है इससे अपना नाम वापस ले लिया, इसीलिए चर्चा में रहा। तो भारत ने नाम वापस लेने का रीजन क्या बताया? भारत ने ये बताया कि अपने जो खिलाड़ी हैं उसकी तैयारी नहीं है, समय नहीं है, मैच तत्परता नहीं है, इन सभी चीजों को हवाला देते हुए जो है अपना नाम भारत ने जो है यहाँ से वापस ले लिया था। तो यहाँ पर जो मलेशिया है इसकी राजधानी क्या है? तो राजधानी इसकी यही है कुआलालंपुर, तो ये आपका मलेशिया की राजधानी है। मुद्रा यहाँ पर चलती है मलेशियाई रिंगित चलती है, मलेशियाई रिंगित, मैं यहाँ पर रिंगित लिख देता हूँ, तो ये जो है यहाँ पर मुद्रा चलती है। इससे पहले वाले प्रश्न में जो मैंने देखा था यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, क्या कि जो संयुक्त अरब अमीरात है यानी कि यूएई, इसकी राजधानी अब से यदि पूछी जाए तो राजधानी इसकी अबू धाबी है, और मुद्रा यहाँ पर कौन सी चलती है? तो संयुक्त अरब अमीरात दिरहम चलती है। इससे संबंधित आपका रीजनिंग में भी काफी बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, एक तरफ आपको स्थान दे रखे होते हैं और एक तरफ मुद्राएं देखनी हो लिखी होती हैं, आपको सही मिलान जो है वो करना होता है। तो दिरहम यहाँ की मुद्रा है और यहाँ का राष्ट्रीय खेल जो है वो ऊंट दौड़ है। बस देखते हैं अपना अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न हमने देख लिया, देखते हैं अपना चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न कह रहा है कि अगस्त 2020 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगमोहन रेड्डी ने किस शहर में ई रक्षाबंधन शुरू किया? चार ऑप्शन है, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। तो बात करते हैं उत्तर की, तो आपका अमरावती जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो YS जगमोहन रेड्डी, ये जो है इनकी पिक्चर है आप देख भी सकते हैं। तो इन्होंने राज्य की जो राजधानी अमरावती है इसमें ई रक्षाबंधन की शुरुआत जो है वो की है। और संबंधित किससे ई रक्षाबंधन? तो CID और जो पुलिस है उसका एक अभिनव आभासी साइबर जागरूकता जो कार्यक्रम जो है उसके अंतर्गत ये आता है। आंध्र प्रदेश के संबंध में आपको दो चीजें पता होना चाहिए, एक तो यहाँ का राज्य पशु जो कि है ब्लैक बक, और राज्य पक्षी यहाँ का भारतीय रोलर है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, पांचवा, हाल ही में जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चार ऑप्शन है, हरदीप सिंह पुरी, GC मुर्मू, मनोज सिन्हा या अनिल बैजल, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो बात करते हैं ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा, तो आपका ऑप्शन सी मनोज सिन्हा जो है वो सही हो जाएगा। तो इनकी पिक्चर भी आप देख सकते हैं, ये जो है वो मनोज सिन्हा है। जम्मू कश्मीर जो है इससे पहले उपराज्यपाल के पद पर गिरीश चंद्र मुर्मू थे, तो उनके इस्तीफा मंजूर होने के बाद जो मनोज सिन्हा है इनको जो है वो नया उपराज्यपाल बनाया गया। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, छठा, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि SEBI, इसके चेयरमैन अजय त्यागी के कार्यकाल को कितने महीने तक बढ़ा दिया गया है? चार ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, बात करते हैं उत्तर की, 12 महीने, 18 महीने, 20 महीने, 10 महीने में से कौन सा सही होगा? तो आपका ऑप्शन बी 18 महीने यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, तो लास्ट तक वीडियो के बने रहिएगा। लास्ट वाला प्रश्न का उत्तर आपको वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है। तो 18 महीने तक जो है वो बढ़ा दिया गया है, और तारीख की बात करें तो आप कह सकते हैं 28 फरवरी 2022 तक जो है वो बढ़ाने के लिए मंजूरी जो है वो दी गई है। यहाँ से प्रश्न में आपको ये भी याद रखना है कि अजय त्यागी जो है ये भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI के जो है वो चेयरमैन हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, सातवां, इसके अलावा पिक्चर भी आप इनकी देख सकते हैं, ये जो है वो अजय त्यागी हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, सातवां, सातवां प्रश्न कह रहा है कि भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस राज्य में खोला जाएगा? सिक्किम, हिमाचल, असम या उत्तराखंड, चार ऑप्शन है, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा।
ऑप्शन ए बी सी या डी में से बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा, तो आपका डी वाला ऑप्शन उत्तराखंड जो है वो सही होगा। तो भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र पर्यावरण आपका जो पोर्शन है उससे संबंधित है। इसके प्रश्न आप जानते हैं, काफी पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा कहाँ खोला जाएगा, उत्तराखंड में जो है वो खोला जाएगा। उद्देश्य इसका यह रखा गया है कि कहीं ना कहीं जो जीव जंतु उनका संरक्षण किया जाए, उनको एक स्थायी निवास प्रदान किया जाए, ये सारे जो है इसके रीजन हो जाएंगे। आठवां प्रश्न कह रहा है कि जम्मू कश्मीर के किस पूर्व उप राज्यपाल को हाल ही में भारत का नया नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG जो है वो नियुक्त किया गया है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, गिरीश चंद्र सक्सेना, गिरीश चंद्र मुर्मू, निवास कुमार सिन्हा या नरेंद्र सिंह वोरा। इससे पहले जो प्रश्न आया था वहां पर मैंने आपको बताया भी था कि इन्हें जो इन्होंने जो है इस्तीफा दिया, तब इनकी जगह दूसरे जो है मनोज सिन्हा उनको चुना गया है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा आपको सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन बी गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इनकी पिक्चर भी आप देख सकते हैं, ये जो है वो गिरीश चंद्र मुर्मू है जिन्हें भारत का नया नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि CAG जो है वो नियुक्त किया गया है। ये पोस्ट आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज ना होइएगा, इनका नाम आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है वो नवा, निम्नलिखित में से किसने अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक जो है वो प्रकाशित की है। चार ऑप्शन है, प्रकाशित यहाँ पर पूछा गया है, ये यहाँ नहीं पूछा गया है कि किसने जो है ये पुस्तक लिखी है, प्रकाशन किसके द्वारा किया गया है ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ऑप्शन ए बी सी या डी में से बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा। मैं आपको पिक्चर भी दिखाऊंगा आगे, पहले बात करते हैं उत्तर की। तो ए बी सी डी में आपका ऑप्शन बी वाला ब्लूम्सबरी जो है वो सही हो जाएगा। इन्होंने जो है इसका प्रकाशन किया था, अमेजिंग अयोध्या। तो अयोध्या राम मंदिर काफ़ी जो है चर्चा में रहा है, तो इसलिए आपको इनकी ये पुस्तक भी जो है वो पता होनी चाहिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ पुस्तक, ये जो है वो आपकी पुस्तक है अमेजिंग अयोध्या। नीचे आप नाम भी देख पा रहे हैं, नीना राय लिखा हुआ है। तो नीना राय जो है ये इनकी पिक्चर है, ये जो है इसकी जो है वो राइटर हैं अमेजिंग अयोध्या की। परंतु यदि आपसे प्रकाशन पूछा जाए तो ब्लूम्सबरी के द्वारा किया गया है, परंतु ये पूछा जाए किसने ये पुस्तक लिखी है, तो नीना रॉय जो है इन्होंने ये पुस्तक जो है वो लिखी है। इसमें इन्होंने प्राचीन हिंदुओं के जीवन और समय को समझने में कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी आपको। ये सारी चीज़ें इन्होंने टॉपिक कवर की हैं और पूजनीय राम और सीता के बारे में भी इसमें जो है वो बताया गया है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, हम आपके लिए इतनी सारी मेहनत करते हैं तो एक लाइक तो आपका बनता ही है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न दसवां। दसवां प्रश्न कह रहा है कि ICC ने 2021 T20 विश्व कप की मेजबानी निम्न में से किस देश को सौंपी है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। इस साइड में लगी जो पिक्चर है इसको देख के कंफ्यूज ना होइएगा, बहुत लोग सोचेंगे यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया 2020 नीचे देखे लिखा हुआ है तो इसको ही देख के टिक लगा दें, ये तो केवल एक लोगों के पर्पज से जो है वो लगा हुआ है। यहाँ पर तो देखिए वुमेन्स लिखा है, जबकि यहाँ पर ऐसा प्रश्न में जो है वो नहीं पूछा गया, केवल लोगो है। प्रश्न कह रहा है कि ICC ने 2021 T20 विश्व कप की मेजबानी उनमें से किस देश को सौंपी है, ऑस्ट्रेलिया, भारत, बांग्लादेश या पाकिस्तान, चारों में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका भारत जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 2021 आपसे पूछा जाए तब आपको टिक करना है भारत, और प्रश्न में ये भी ध्यान रखिएगा T20 विश्व कप जो है वो पूछा गया हो। उसके साथ साथ यदि आपसे 2022 पूछा जाए तब आप टिक करेंगे ऑस्ट्रेलिया को। ये दोनों सन एकदम याद कर लीजिए, क्योंकि अभी आगे आने वाले जितने एग्जाम हैं ये कहीं ना कहीं प्रश्न आपका जरूर फंसेगा। तो 2021 T20 विश्व कप जो है उसकी मेजबानी भारत करेगा, 2022 T20 विश्व कप की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया जो है वो करेगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न ग्यारहवां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन निम्न में से किस शहर में किया। जयपुर, कानपुर, दिल्ली या पटना, इस प्रकार से चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। बात करते हैं चलिए उत्तर की, तो आपका ऑप्शन सी दिल्ली जो है वो सही हो जाएगा। तो दिल्ली में
राजघाट के नजदीक स्थित राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अगस्त 2020 को जो है वो किया था। और ये जो है महात्मा गांधी जी जो हैं उनको समर्पित जो है ये केंद्र जो है वो रखा गया है। और उद्देश्य इसका यह है कि इस केंद्र में लोगों को स्वच्छ भारत मिशन की सफलता और स्वच्छता के फायदों के बारे में जो है वो बताया जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, 12वां, किस राज्य में पहला रेशम प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र स्थापित किया जाएगा? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश? 4 ऑप्शन है, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। पहला रेशम प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र, तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश, कौन सा सही होगा? बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो खादी और जो ग्राम उद्योग है उसने अरुणाचल प्रदेश राज्य में रेशम के प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र की स्थापना का निर्णय लिया है। और ये जो केंद्र है इसको सितंबर 2020 में एक लक्ष्य के तौर पर रखा गया कि सितंबर 2020 जो है उसके पहले सप्ताह में जो है वो लॉन्च किया जाएगा। और इसमें प्रशिक्षण का कार्य भी होगा और जो बुनाई गतिविधियां वगैरह होती हैं वो भी जो है इसमें होगा। भारत की यदि बात करें रेशम में, तो भारत दुनिया में रेशम का दूसरा सबसे बड़ा जो है वो उत्पादक देश में आता है। तो भारत की यदि रैंकिंग पूछी जाए वो भी आपको पता होना चाहिए। 13वां प्रश्न कह रहा है कि किस राज्य के कोझीकोड में एयर इंडिया के विमान हादसे में 2 पायलट सहित लगभग 18 लोगों की मृत्यु जो है वो हो गई थी? कर्नाटक, केरल, असम या तमिलनाडु? काफी चर्चा में ये रहा था और काफी दिन तक न्यूज में भी था, तो ये आपको पता अवश्य होना चाहिए। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कर्नाटक, केरल, असम या तमिलनाडु, इनमें से कौन सा सही होगा? चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन बी केरल जो है वो सही हो जाएगा। केरल राज्य के कोझीकोड में जो है एयर इंडिया के विमान हादसा जो है इसमें हुआ था, जिसमें ये यानी कि 2 पायलट सहित लगभग 18 लोगों की मृत्यु हो गई थी। 14वां प्रश्न कह रहा है कि किस प्रसिद्ध उर्दू कवि का 70 वर्ष की आयु में इंदौर में 11 अगस्त 2020 को कोविड-19 में इलाज के दौरान निधन हो गया? सारी आपको यहाँ पर बातें पता होना चाहिए कि सबसे पहले तो ये उर्दू कवि थे, दूसरी चीज की 70 वर्ष की आयु में, तीसरी चीज की इंदौर में, चौथी चीज की 11 अगस्त 2020 को, और पांचवी चीज की कोविड-19 में इलाज के दौरान निधन हो गया। ऐसा भी बताया जाता है कि इनको हार्ट की प्रॉब्लम थी, और कहीं कहीं आपको न्यूज़ चैनल में ही अलग अलग आपको सोर्स जो है कहीं कोविड-19 का इलाज भी बताया जाता है, तो दोनों बताया जाता है। मेन आपको ये पता होना चाहिए इनके बारे में, अन्य जो डाटा दे रखा है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, राहत इंदौरी, जावेद अख्तर, अहमद फराज या इनमें से कोई नहीं, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बात कर लेते हैं चलिए उत्तर की, तो आपका ऑप्शन ए राहत इंदौरी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो है इनकी पिक्चर है, मशहूर बेहद ही ज्यादा प्रसिद्ध उर्दू कवि थे। सारी इंफॉर्मेशन तो प्रश्न में ही लिखी है, तो मुझे तो अपनी तरफ से कुछ बताना नहीं है। 70 वर्ष की आयु में इंदौर में 11 अगस्त 2020 को जो है इनका जो है वो निधन हो गया था, तो राहत इंदौरी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 15, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में किस योजना के तहत राज्यों की रैंकिंग जो है वो जारी की है? अमृत योजना, उज्ज्वला योजना, जनधन योजना या स्वदेश दर्शन योजना, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको अमृत योजना, उज्ज्वला योजना, जनधन योजना या स्वदेश दर्शन योजना में से कौन सा सही होगा। इसके अलावा वीडियो को शेयर भी और लोगों के साथ अवश्य कर दिया करिए, ताकि और लोग भी देख सकें, और जितना ज़्यादा लोग देखते हैं कहीं ना कहीं मुझे अच्छा लगता है कि मेरी मेहनत नहीं बेकार जा रही है। तो वीडियो को शेयर भी अवश्य कम से कम 5 से 10 लोगों को अवश्य कर दिया करिए। चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन ए अमृत योजना बिल्कुल सही हो जाएगा। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने जो है अमृत योजना के तहत राज्यों की रैंकिंग जो है वो जारी की है, जिसमें जो उड़ीसा राज्य है उसने 85.67% स्कोर करके पहला स्थान जो है वो हासिल किया था। इस योजना का उद्देश्य क्या था? जो राज्य है उनके शहरी क्षेत्रों में घरों में पाइप से जो जल आपूर्ति है वो प्रदान करना, इसका जो है वो
उद्देश्य था। और दूसरे नंबर पर कौन आया था, तो उड़ीसा के बाद दूसरे नंबर पर नंबर आया था चंडीगढ़ का। तो चंडीगढ़ जो है वो दूसरे नंबर पर आया था, जिसमें परसेंटेज प्राप्त किया था 75.08%। और तीसरे नंबर पर आया था तेलंगाना, जिसने 74.04% जो है वो प्राप्त किया था। तो बस आप तीन रैंकिंग पे याद रखेंगे उतना जो है वो काफ़ी होगा। अगला प्रश्न 16 कह रहा है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अगस्त 2020 में रक्षा कर्मियों के लिए कितने वीरता पुरस्कारों को मंजूरी जो है वो दी है। तो चार ऑप्शन है, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए बी सी या डी। बात कर लेते हैं चलिए उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन लास्ट वाला 84 जो है वो सही हो जाएगा। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 9 शौर्य चक्र सहित रक्षा जो कर्मी है उनके लिए 84 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी जो है वो दी है। देखते हैं चलिए अपना अगला प्रश्न 17। प्रश्न कह रहा है कि भारत 15 अगस्त 2020 को स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ जो है वो मना रहा था, क्योंकि अब तो कंप्लीट हो गया है। तो 71, 72, 73, 74 इस प्रकार से चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कि इस बार कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, इनमें से कौन सा सही होगा। तो आपका डी ऑप्शन 74वीं वर्षगांठ जो है वो सही हो जाएगा। तो 74वां स्वतंत्रता दिवस जो है वो भारत 15 अगस्त को जो है मना रहा था। उसके साथ साथ प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने भारत के इस 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजसी लाल किले जो है, राजसी लाल किले से राष्ट्र को जो है वो संबोधित किया था। और इसी आयोजन के दौरान इन्होंने, यानी कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इन्होंने एक राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन भी जो है वो शुरू किया था, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन। पिक्चर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो है इस पर पिक्चर है, ये देखिए 74 इंडिपेंडेंस डे जो है मनाया गया था। और ये जो आप पिक्चर देख पा रहे हैं, ये आपका दूरदर्शन चैनल पर जो लाइव आया था उसकी जो है ये पिक्चर है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 18। अगस्त 2020 में कौन सा राज्य देश में कोविड परीक्षण करने में नंबर 1 पर आ गया है, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश या हरियाणा। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा, बात करते हैं उत्तर की, तो उत्तर प्रदेश आपका सही हो जाएगा। 13 अगस्त 2020 को संचयी कोविड परीक्षण के जो आंकड़े थे उसमें 36 लाख नमूने तक जो है वो पहुंच गए थे। तो यहाँ दैनिक आधार पर लगभग 1 लाख कोविड परीक्षण जो है वो हो रहे हैं, उस कारण यूपी जो है आपका पहले नंबर पर जो है वो आ गया था। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 19। हाल ही में किन दो भारतीय क्रिकेटरों ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास जो है वो ले लिया है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। पिक्चर भी मैं आपको दिखा देता हूं जिससे आपको ऑप्शन और आसानी हो टिक करने में। तो ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा, बात करते हैं उत्तर की, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि महेंद्र सिंह धोनी और उसके साथ साथ सुरेश रैना। तो महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना जो हैं, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय जो क्रिकेट है उससे संन्यास जो है वो ले लिया है। अगला प्रश्न देखते हैं 20। निम्न में से किसने नदियों और देश के जो महासागर हैं उसमें डॉल्फिन के संरक्षण और सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत जो है वो, उसकी घोषणा जो है वो की है। प्रकाश जावेदकर, रविशंकर प्रसाद, नरेंद्र मोदी या नितिन गडकरी। इस प्रकार से चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन ए बी सी डी में से बात करते हैं उत्तर की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इन्होंने देश की जो नदियां हैं और महासागर हैं उसमें डॉल्फिन के संरक्षण और सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट जो डॉल्फिन है उसको शुरू करने की घोषणा जो है वो की है। तो ध्यान रखिएगा प्रोजेक्ट डॉल्फिन, ये जो है इसके बारे में। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 21। प्रश्न कह रहा है कि शास्त्रीय संगीत के किस प्रसिद्ध गायक का हाल ही में अमेरिका में
90 वर्ष की उम्र में जो है वो निधन हो गया है। तो यहाँ पर आपको क्या क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले तो शास्त्रीय संगीत ध्यान रखना है, दूसरी चीज याद रखना है अमेरिका में हुआ है, तीसरी चीज ध्यान रखना है इनकी उम्र यानी कि 90 वर्ष की उम्र में। अब चार ऑप्शन दे रखे हैं, पंडित जसराज, अरुण भादुड़ी, बिरजू महाराज या भीमसेन जोशी, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की एबीसीडी में कौन सा सही होगा, तो ए आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, पंडित जसराज जो है ये जो है वो सही हो जाएगा। इनकी पिक्चर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये काफी चर्चा में रहे थे, इनका नाम अवश्य आपको याद होना जरूरी है कि पंडित जसराज जो है ये जो है आपका सही हो जाएगा। नीचे लिखा भी हुआ है पंडित जसराज परफॉर्मिंग विद सारंगी, तो ये जो है वो शास्त्रीय संगीत से जो है वो संबंधित है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 22। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से सबसे साफ शहर कौन सा है। इस पर बेस्ड तो पूरा मैं आपको 20 प्रश्न का अलग से एक वीडियो करा चुका हूँ, वो यदि आपने नहीं देखा है तो उसको अवश्य देख लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो वीडियो है, उससे ये मान के चलिए आगे आने वाले एग्जाम में एक ना एक प्रश्न अवश्य आएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको अलग से दे दूंगा मैं वीडियो, साइड में आई बटन में भी आपको वीडियो दे दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। फिर भी यदि ना मिले तो कमेंट में टाइप करके बताइएगा, मैं आपको लिंक दे दूंगा। प्रश्न आपका क्या है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से सबसे साफ शहर कौन सा है, इंदौर, चंडीगढ़, रायपुर या पुणे। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन ए इंदौर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, तो सबसे साफ शहर जो है वो इंदौर को चुना गया है। अगला प्रश्न 23 कह रहा है, अगस्त 2020 में नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, सुभाष चंद्र गर्ग, राजीव कुमार, अमिताभ कांत या विवेक देवराय। इस प्रकार से चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा, नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। बात करते हैं उत्तर की, इनमें से कौन सा सही होगा, तो आपका ऑप्शन बी राजीव कुमार जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, तो राजीव कुमार को नया चुनाव आयुक्त जो है वो नियुक्त किया है। इससे पहले इस स्थान पर कौन था, तो इससे पहले इस स्थान पर जो है वो अशोक लवासा थे, नाम यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इनका, अशोक लवासा ये जो है इससे पहले इनके स्थान पर थे। इसके साथ साथ यदि बात करें जो श्री लवासा यानी कि अशोक लवासा है, इन्होंने 31 अगस्त 2020 को जो है अपना पद, कब, 31 अगस्त 2020 को जो है अपना पद छोड़ने पर श्री कुमार जो है यानी कि जो राजीव कुमार है ये अपना कार्यभार जो है वो संभालेंगे। देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है 24। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है वो प्राप्त करेगा। चार ऑप्शन दे रखे हैं, रोहित शर्मा, मरियप्पन थंगावेलु, मनिका बत्रा या एक दो और तीन सभी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, करंट अफेयर में मैंने आपको बताया भी इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन बन सकते हैं, परंतु यहाँ पर हम टॉप 25 क्वेश्चन देख रहे हैं, इसलिए सभी टॉपिक मैंने कवर किए हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, एक दो और तीन सभी जो है वो सही हो जाएगा। रोहित शर्मा भी बिल्कुल सही है, मरियप्पन थंगावेलु भी सही है और मनिका बत्रा भी सही है, इसके अलावा दो लोगों को और मिलेगा, परंतु चलिए जो प्रश्न है उनकी बात करते हैं। तो जो रोहित शर्मा है इनकी बात करें तो आपके जो रोहित शर्मा है वो किससे संबंधित है, क्रिकेट से, आप सभी जानते हैं। मरियप्पन थंगावेलु जो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ये जो है आपके पैरा एथलीट हैं, ये पैरा एथलीट से जो है वो संबंधित हैं, पैरा एथलीट। और बात करें मनिका बत्रा की, तो मनिका बत्रा जो है वो टेबल टेनिस से जो है वो संबंधित है। प्रश्न जो पूछा जाएगा वो यहीं से पूछा जाएगा कि किस खेल से संबंधित है, इसलिए आपको यही सबसे मेन पता होना चाहिए, नाम से जाता है उनके खेल से संबंधित प्रश्न जितने भी कॉम्पिटेटिव लेवल के एग्जाम हुए उनमें आप उठाकर देख लीजिए तो पूछा जाता है। इसके अलावा दो लोग और जो है चुने गए हैं, तो तीन तो ये हो गए, चौथे नंबर पर कौन है, तो चौथे नंबर पर है विनेश फोगाट, मैं यहाँ पर नाम ही लिख देता हूँ पूरा, विनेश फोगाट जो है इनकी यदि बात करें तो इन्हें किसमें मिला है, ये रेसलिंग से संबंधित हैं, ये जो है वो रेसलिंग से संबंधित हैं। और एक और पांचवा नाम क्या हो जाएगा, पांचवा नाम नीचे लिख देते हैं, तो पांचवा नाम हो जाएगा आपका रानी रामपाल। तो रानी रामपाल जो है इनकी यदि बात करें इन्हें किस क्षेत्र में मिला है, तो इन्हें महिला हॉकी जो है उसके क्षेत्र में जो है वो मिला है। डायरेक्ट मैं हॉकी लिख देता हूँ, महिला आप अपने आप अंडरस्टैंड समझ जाइएगा, तो महिला हॉकी के क्षेत्र में ये मिला है। तो ये पांच नाम आपको एकदम
रटे होने चाहिए, ये मान के चलिए एक ना एक प्रश्न आगामी जो पेपर है उनमें यहाँ से जरूर पूछा जाएगा। देखते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और इस प्रश्न के बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, थोड़ा भी वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो, थोड़ा भी वीडियो आपको पसंद आया हो, थोड़ी भी मेहनत आपको लगी हो कि मैंने आपके लिए की है, तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आगे भी इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न मैं आपको प्रैक्टिस कराता रहूंगा। और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न कह रहा है, किसने गैर विषैले कृषि उत्पाद बेचने के लिए किसानों द्वारा प्रचारित एक ऑनलाइन फॉर्म टू फोर्क सेवा vedkrishi.com लॉन्च की है? नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल या अमित शाह? इस प्रकार से चार ऑप्शन है, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन बी नितिन गडकरी सही हो जाएगा। तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, इसके अलावा और भी इनके अंडर में आता है परंतु मुख्यतः यही बोला जाता है। तो ये जो है नितिन गडकरी, इनके द्वारा जो है वो गैर विषैले कृषि उत्पाद बेचने के लिए जो किसान है उनके द्वारा प्रचारित एक ऑनलाइन फॉर्म टू फोर्क सेवा vedkrishi.com लॉन्च किया गया है। इसमें होगा क्या, कंपनी इस प्लेटफॉर्म के जरिए जो किसान है उनको सीधे उपभोक्ताओं से जो है वो जोड़ेगी। चलिए देख लेते हैं अब अपना वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है जिसका उत्तर आप सभी को वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पर मैंने 26 लिख दिया ताकि आप कमेंट में टाइप करके बता सकें कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में इंदिरा रसोई योजना लॉन्च कर दी है? पंजाब, राजस्थान, गुजरात या कर्नाटक? इन चारों में से कौन सा सही होगा? अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। करंट अफेयर में भी ये मैंने प्रश्न कराया था, तो देखते हैं कितने लोग जो करंट अफेयर है उसको सीरियस देखते हैं और कितने लोग को ये याद है। तो ऑप्शन ए बी सी डी या डायरेक्ट राज्य का नाम टाइप करके भी आप बता सकते हैं। तो अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। इसी के साथ हमारा पार्ट आज का ये समाप्त होता है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।